नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है हमारी पहाड़ी YouTube फैमिली। आज घर से दीपक भाई और मैं अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं सतबुगा के ऊपर एड़ी देवता के मंदिर में। और अभी जिस रोड से हम जा रहे हैं सतबुगा रामगढ़ रोड, तो धूप आज आई हुई नहीं है, मौसम सुबह से ख़राब बना हुआ है। तो चलते हैं मंदिर के पास में पहुँचते हैं और खूबसूरत नज़ारे में आज आपको दिखाऊँगा, खूबसूरत व्यू दिखाऊँगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और गाड़ी हमने यहाँ पर पार कर दी। यहाँ से पैदल रास्ता है ऊपर जाने के लिए मंदिर के लिए, जगह का नाम छिपा है। और यहाँ से चलते हैं इस रास्ते से ऊपर की तरफ और आगे करते हैं बहुत सी बातें। हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये मस्त RCC रैंप पड़ा हुआ है और नीचे जगह देखिए, जो नीचे आपको घर दिख रहा है वहाँ पर है मेन रोड। वहाँ से हम उसी मेन RCC से होते हुए आगे हैं, हमने जाना है सामने की तरफ। और वहाँ चल रही है गजब की हवा, गजब का तूफान। हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलते हैं आगे की तरफ और ऊपर जाके शानदार व्यूज आपको दिखाता हूँ। और देखिए मस्त यहाँ पर बाजू का घना जंगल है और काफ़ी ठंडी जगह है ये। इस रास्ते में हम भी काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं और पूरा RCC इस पे पड़ा हुआ है। पहले इस पे RCC रैम नहीं था, खाली वैसी मिट्टी वाला रास्ता था, पगडंडी जो पुराने ज़माने के रास्ते होते हैं पहाड़ों पे, वैसा रास्ता था। लेकिन अब बढ़िया रास्ता बन चुका है, RCC रैम बन चुकी है। लेकिन जाया जाता है जंगलों के एकदम बीच से होते हुए। और जो हमेशा आपको थकूर टॉप दिखाता हूँ मैं, वो भी इसी रास्ते से जाया जाता है। और यहाँ से व्यूज़ देखिए, आगे पूरा खुला हुआ व्यू, सामने हिमालय व्यू आता है। बट कल से बारिश हो रही है, कल से मौसम ख़राब है, तो पहाड़ों में इस प्रकार का मौसम हुआ है और ठंडा काफ़ी हो रहा है। और दोस्तों हम आगे जा रहे हैं लेकिन इस तरफ को काफ़ी भयंकर हवा चल रही है। आप देखिए, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी हवा की। और यहीं तो ये RCC रैम पड़ा हुआ था, आगे फिर वैसा ही रास्ता हो गया जैसा मैंने आपको पहले बताया। और देखिए हवा क्या चल रही है, यहाँ पर काफ़ी ऊँचाई वाला क्षेत्र है, काफ़ी ठंडा क्षेत्र है ये वाला। हवा ने तूफान का रूप ले लिया है, खतरनाक हवा चल रही है यहाँ पर। तो चलते हैं मंदिर पहुँच के दिखाता हूँ आपको। खतरनाक हवा चल रही है अभी। दोस्तों मंदिर के पास में पहुंचने वाले हैं हम लोग। यहाँ से बस दो कदम, चंद कदमों पे मंदिर पड़ता है। और यहाँ से व्यू देखिए, काफी ऊंचाई पे है हम। सामने जो व्यू आ रहा है सरना पदमपुरी धानाचुली, ये देखिए काफी खतरनाक व्यू आ रहा है। और पास में इस तरफ को है ठाकुर बाबा टॉप, जो हमेशा आपको घर से दिखाता हूँ। लेकिन हवा इतनी खतरनाक चल रही है यहाँ पे, बता नहीं सकते, काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है। हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं हम, हाथ भी सुन पड़ जा रहे हैं हमारे। आप देख सकते हैं ठंडा काफ़ी हो रहा है। बस पहुंचने वाले हैं मंदिर पे, देख सकते हैं पास में पहुंच चुकी है, मस्त घूम रहा उसका पंखा ऊपर। काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है दोस्तों, सारी टेक्नोलॉजी जैसे रडार सिस्टम है, ये सारे सिस्टम यहाँ ऊँचाई पर। काफ़ी ख़तरनाक जंगलों के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचाई पर अभी हैं। और हवा इतनी चल रही है, बता नहीं सकते हम लोग। ये देखिए मस्त यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी पहुँच की पूरी यहाँ पे लगा रखी है, काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और नीचे देखिए काफली गांव बसा हुआ है, क्या ठंडा हो रहा है यार। दोस्तों एडजी महाराज के मंदिर में हम पहुँच चुके हैं, ये है मंदिर का एंट्री गेट यहाँ पे। तो दोस्तों एंट्री गेट ये आ चुका है, यहाँ पे जूते चप्पल उतारते हैं तो अंदर की तरफ चलेंगे हम। हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं हम फोन वोन पकड़ने के लिए, काफ़ी ठंडा हो गया है। और पानी वानी यहाँ पे है, हाथ पैर यहाँ पे धोते हैं फिर चलेंगे सामने मंदिर की तरफ। और अपना जो भी हम दूध लाए हैं, फूल भेड़ लाए हैं, वो यहाँ पे अर्पित करते हैं, यहाँ पे चढ़ाते हैं एड़जू महाराज के दर्शन पे। काफ़ी ठंडा पानी यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं आप, वाट लगी पड़ी है दोस्तों। जो ये है वो हमारा एड़ी देवता का मंदिर, जहाँ पर हम हर जब भी गाय बच्चे को जन्म देती है या तो 22 दिन के बाद यहाँ पर दूध चढ़ाने के लिए आते हैं। और ये पूरे पहाड़ में, पूरे एरिया में हर कोई यहाँ पर करता है, ये मान्यता भी है, बरसों से यही मान्यता चली आ रही है और आज भी ये मान्यता है। कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं अभी यहाँ से, ठंडा काफ़ी है, काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है और खूबसूरत मंदिर है एड़जू महाराज का मंदिर। खूबसूरत बाजू के जंगलों के बीच में बसा हुआ है, हाथ पैर पूरे हमारे जाम हो चुके हैं, इतना ठंडा हो रहा है पूरा, जैसे हम 0 डिग्री से भी नीचे हम चल रहे होंगे तो वैसा अभी फील हो रहा है। तो ये है वो मंदिर जहाँ पर हम सुबह आए थे और अभी भी यहीं पे हैं, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ जाना है हमने। तो इस प्रकार का मंदिर है, इस प्रकार हमारी पुरानी मान्यताएं होती हैं, पुरानी परंपराएं होती हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने दूध चढ़ा दिया है, फूल भेंट हमने चढ़ा दी है, तो यहाँ से निकलेंगे हम अब घर की तरफ को और हमें जाना है अपने काम की तरफ को। काम के लिए भी लेट हो रही है तो काम के लिए निकलते हैं। और पास में ही ठाकुर बाबा टॉप था और ये वो आग की धुनी है दोस्तों, जब भी यहाँ पे देवताओं का अखाड़ा लगता है, जो पहाड़ों में जागर लगती है, देवता नाचते हैं, तो
यहाँ पे धुनी है। तो कुछ इस प्रकार का माहौल है कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पुरानी परंपराएं हमारी होती हैं। तो चलते हैं, और सामने दीपक भाई जूते वूते पहनने लग गया, मैं भी जा रहा हूँ, हाथ पैर में काम करना हमारा बंद। फाइनली हम काफ़ी जो ऊपर एरिया दिख रहा है आपको, टावर जैसा दिख रहा है, वहाँ से हम नीचे आ चुके हैं और चल रहे हैं अब घर की तरफ, काम की तरफ को। और इस तरफ बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऊपर तो हमारे हाथ पैर पूरे सुन्न हो गए थे, जाम हो गए थे, पूरा ठंडा हो रहा था, गजब का। और नीचे उतरते हुए नीचे ये रोड है, यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। और जो सामने का व्यू आ रहा है ये है रामगढ़ का एरिया, मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। और देखिए पहाड़ों में मौसम किस प्रकार हुआ है, सुबह से ही आज देखिए धूप आई नहीं है और काफ़ी ठंडा हो रहा है। कल बारिश भी होगी, परसों भी बारिश होगी, और पहले भी बारिश हुई है, तो काफ़ी ठंडा उस बारिशों के कारण हुआ है। तो चलते हैं नीचे रोड पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों मेन रोड पे पहुंच चुके हैं, ये सतगुंगा रामगढ़ रोड, और सामने दादाजी भी एक आग सेक रहे हैं, अंकल जी। काफ़ी ठंडा हो रहा है, रोड देखिए पाले से पूरा जमा हुआ है। तो मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी पर, निकलते हैं आपको सेलेक की तरफ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं, दीपक भाई तो चले गया है चकुटा साइड पे काम देखने के लिए, और मैं जा रहा हूं अपने फैमिली मेम्बर के यहां। हमारा एक परिवार यहां नीचे भी रहता है, तो उन लोगों के यहां जा रहा हूं, वहां भी थोड़ा लकड़ियां काटनी है तो उनकी हेल्प करनी है। तो आज आपको दिखाता हूं पहाड़ी हार्डवर्क, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं सुबह जहां से हम आए एड़ी देवता के मंदिर से। सामने देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, काफ़ी घना जंगल है दोस्तों यहां से हम आए। तो मैं चलता हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं कार्य। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने वाले हैं, और हम लगातार यहाँ पे लकड़ियाँ फोड़ रहे हैं। देखिए इतनी लकड़ियाँ हमने फाड़ दी हैं यहाँ पे, साथ में हमारे मोहन दादी और साथ में हमारे उमेद दादी, तो सभी लोग लगे हुए हैं। और मौसम कुछ इस प्रकार हुआ है, अभी दोपहर के 12 बजे के समय में हल्की हल्की बारिश छाई आ रही है अभी, और सामने का मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ऐसा माहौल बना हुआ है, और एक घंटे पहले से लगातार हल्की हल्की बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हम बारिश में ही लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं, तो देखते हैं अभी कितनी देर और लगती है काम पे। साढ़े 12 बजे का अभी टाइम हो रहा है, 12:30 लंच का टाइम हो रहा है, लंच तक हमने इतनी लकड़ियाँ यहाँ पर फाड़ दी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी और रह गई हैं लकड़ियाँ, देखते हैं अभी बारिश हो रही है, लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, काम हमारा हो पाता है या नहीं हो पाता है। और मौसम देखिए काफ़ी ख़तरनाक बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, और सामने जो व्यू आ रहा है ये है धानाचूली का व्यू, देखिए पूरे बादलों से ढका हुआ है, वहाँ सुबह से हो रही है हल्की दुल्की बारिश लगी हुई है, अब देखते हैं दिन में हमारा ये काम थोड़ा हो पाता। तो फाइनली दोस्तों लकड़ी वकड़ी फाड़ के और खाना लंच वंच करके हम निकल चुके हैं घर की तरफ, साथ में है मेरे धीरू भाई, पीछे सुरेश, और ये हैं उमेद भाई जिनके हम लकड़ियाँ फोड़ रहे थे। तो आ चुके हैं, थोड़ा ऊपर और जाना है, फिर रोड पर पहुँच जाते हैं। और जहाँ मैं सुबह गया हुआ था एड़ी थान मंदिर पर, वहाँ पर उस साइड पर गिरी हुई है काफ़ी सुंदर बर्फ, तो मैं दिखाता हूँ आपको बर्फ यहाँ से दिख रहा है वो व्यू। तो चलिए, तो भाई लोग ठंडा कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, हाथ पैर काम करना बंद कर दे रहे हैं किसी टाइम में। तो चलिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ वहाँ का। तो जो ये सामने एरिया देख रहे हैं जहाँ घाटी के नीचे क्लाउड आए हुए हैं, इस एरिया पे सुबह हम गए हुए थे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे जंगली एरिया है, और आसपास थोड़े बहुत घर हैं, तो यहाँ पे गिरी हुई है हल्की बर्फ, अभी ऊंचा क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था सुबह, मैंने आपको पूरा दिखाया। तो पूरा अभी भी पूरा क्लाउड से देखिए घाटी पूरी पैक हुई हुई है, और हल्की बर्फबारी यहाँ पर हुई है, आपको हल्का अगर महसूस हो रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं घर की, हम लोग पहुँचने वाले हैं ऊपर रोड पे, और एक बार और देखें नज़ारा सामने का, ये देखिए आपको हल्की हल्की बर्फ नज़र आ रही होगी, तो इस प्रकार के नज़ारे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं फाइनली घर पर पहुँच चुका हूँ। अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, और पूरा देखिए कोहरा फिर से छाने लगा है, और बारिश शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर बारिश करीब 1-2 घंटा बंद रही, जहाँ मैं नीचे गया हुआ था अपने फैमिली के यहाँ, वहाँ से आने तक थोड़ा राहत मिल गई। और घर पे हम बैठे हुए हैं, मस्त आग जलाई हुई है और आग सेक रहे हैं, काफ़ी ठंडा हो रहा है, लगातार बारिश बढ़ रही है देखिए। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।